नहीं जाणा, नहीं जाना, जाना मेरी मैं नहीं जाना। दूजी है बला कुंड चुके आ गया, दूजी ना जाए मूह बोले आ गया। जेठ मेरी है कुंड ना जाए कु न जाए कुंडा जाए। जेठ वे जेठ जेखद हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं न्यूली ब्राइड मेकअप लुक आज का मेकअप लुक बहुत ही सिंपल है काफ़ी इजी भी है अगर आप नई दुल्हन हैं आपकी नई नई शादी हुई है तो आप इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो बहुत इजी है काफ़ी कम टाइम में हो भी जाता है तो अगर मेरा मेकअप आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम अपना मेकअप सबसे पहले हम अपनी स्किन केयर कर लेंगे स्किन केयर आप जरूर कर लिया करिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है कलर क्वीन का विटामिन सी प्लस +E, ई सीरम है बहुत अच्छे सीरम है आपकी स्किन को रिड्यूस करता है हल्का सा ग्लो भी लाता है आपके फेस पे नेचुरली ग्लो फिर पलक मिक्स फ्रू, फ्रूट का ये मॉइस्चराइजर है ये इसका छोटा पैक मुझे टेन रुपीज़ में ही मिल गया था विंटर में आप ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं रहेगी उसके बाद अपने लिप्स को आप मॉइस्चराइज़ कर लीजिए मेकअप से पहले ताकि आपका लिप्स लिप्स एकदम प्लम्पी सा दिखे जॉय का ये लिप बाम हमने यूज कर लिया मैलियो का ये प्राइमर यूज किया प्राइमर आप ज़रूर अप्लाई करिए मेकअप से पहले आपके मेकअप को काफ़ी टाइम तक स्टे करके रखता है उसके बाद आपके पोर्स को ब्लर आउट भी कर देता है अगर आपके फेस पे कोई भी डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पे एलेगल का ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकते हैं और अगर आपके फेस पे नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं मेरे फेस पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डार्क सर्कल था और डार्क स्पॉट्स वगैरह थे तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करके ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है जब भी आपको ब्लेंडर जब भी आप ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो आप ब्लेंडर पहले पानी मुझे अच्छे से भिगो लीजिए उसका सारा एक्सेस पानी निचोड़ दीजिए फिर आप उसे यूज करिए उसके बाद फिटमी का ये फाउंडेशन हमने यूज़ किया जिसका सेड है वन ट्वेंटी फाइव सन बीच बहुत अच्छा फाउंडेशन है बहुत लाइट वेट है एकदम आपकी स्किन में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कोई फाउंडेशन यूज़ किया है आप एकदम स्किन के कलर का अगर आप मेरे स्किन के कलर के हैं तो आप ये वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हैं उसके बाद फिर अपने फेस को हमने हाईलाइट किया है यहाँ कंसीलर हमने अप्लाई किया मार्स का यह एच डी बाई बाई कंसीलर है जिसका शेड है सॉरी जिसका शेड है वन ज़ीरो थ्री मीडियम बहुत अच्छा शेड है उसके बाद ऑल अबाउट लिप पैलेट में से मैंने पिंक कलर लेके अपने फेस पे ब्लश अप्लाई कर लिया जिसे मैंने ब्लेंडर से हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया है तो सिर्फ हल्की से नेचुरल से यहाँ पर ब्लश आ गया है उसके बाद अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट से करना है कॉम्पैक्ट पाउडर का पाउडर से मैलियो का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसका सेड है ज़ीरो टू आ, बहुत अच्छा पाउडर है बट एक बार लगाने पे आपको काफ़ी केकी सा लगेगा बहुत ज़्यादा ओवर ओवर सा लगेगा तो आप किसी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से डस्ट आउट कर लेंगे फिर आपका बेस बहुत अच्छे सेट हो जाएगा और थोड़ा सा आपको ये फेयरनेस भी देता है ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर उसके बाद हमने यहाँ पे एब्रो पैलेट से अपने एब्रो को अच्छे से फिल कर लेना है अगर आप बिगनर है तो आप पाउडर वाला ही एब्रो पैलेट यूज करिए आप पेंसिल मत यूज करिए जिससे बहुत अच्छे से फिल हो जाता है उसके बाद इस हमने एक आइसाइडो पैलेट है जो कि डार्क सेड में है तो इसमें से जो सबसे लाइट पिंक कलर था उसे लेके हमने पूरे क्रीज लाइन पे हमने अच्छे से अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर लेना है ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है एकदम लाइटली आपको ब्रश पकड़ना है पतला वाला ब्रश लीजिए आप अगर आप बिघनर हैं तो एकदम पतला वाला ब्रश यूज करिए जिससे आपका आई लुक मेसी सा ना हो तो यहाँ पे दोनों आँखों पे हमने क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया आई सॉरी आई साइडों को उसके बाद पूरे आईलेट पे हमने थोड़ा सा जो पिंक कलर हमने यूज़ किया था उसी से थोड़ा सा डार्क शेड पिंक लेके पूरे आईलेट पे हमने अच्छे से अप्लाई करके उसके साथ में ब्लेंड करते जाना है यहाँ पर बहुत ईजी आज हमने आई लुक, लुक आपको बताया है तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आप इजीली कर सकते हैं फिर ये मैक का ट्रांजिशन ग्लिटर सीमरी ग्लिटर था गोल्डन जो कि बहुत हल्की सी सिर्फ शाइन देती है तो इसे मैंने पूरे आईलेट पे अप्लाई कर लिया ताकि हमारा आई लुक काफ़ी इनहेंस होकर दिखे हल्की सी शाइन दिखे और साथ में इसे हमने अच्छे से ब्लेंड करते जाना है हल्का हल्का सा क्योंकि तो पैची से दिखी पाउडर ट्रांजिशन है तो थोड़ा सा आ, मतलब पैची से दिखने लगता है तो इसे हमें ब्लेंड कर लेना है फिर लक्मी आइकॉनिक का ये वाइट काजल है जिसे हमने लोअर वाटर लाइन पर लगा लिया है अगर आप आपकी आँखें छोटी हैं तो आप व्हाइट काजल जरूर काजल ज़रूर यूज़ करिए ताकि आपकी आँखें थोड़ी बड़ी दिखे उसके बाद लेकमी आइकॉनिक का ही हमने ब्लैक काजल लेके लोअर लेस लाइन पे लगा लिया और उसे साथ में लाइट पिंक कलर लेके हल्का हल्का समय स्मच करते जाना है ताकि हमारे आंखें मतलब ताकि हमारा काजल सेट भी हो जाए एकदम वाटरप्रूफ हो जाए बिल्कुल भी स्मच भी नहीं करेगा और आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत दिखेगी फिर ही टेक का ये सुपर वाटर प्रूफ है बहुत अच्छा आई है Uh, काफ़ी टाइम तक स्टे करके रखता है बिल्कुल भी ये चाहे जितना पानी में भीगे चाहे जितना आप रोएगी बिल्कुल भी ये स्मच नहीं करेगा बिल्कुल फैलेगा नहीं तो काफ़ी अच्छा आईलाइनर है इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ बहुत अच्छा आई है यहाँ पे हमने देखिए आईलाइनर यूज़ कर लिया कोई भी हमने विंग नहीं क्रिएट किया है बस हल्का सा कॉर्नर में उसे मतलब हमने आँखों का सिर्फ थोड़ा सा सेप दे दिया है कोई हमने यहाँ पे विंग नहीं क्रिएट किया उसके बाद अपने लेसेस को कर्ल कर लेना है यहाँ पे फिर मस्कारा हम यूज कर लेंगे अपने लेस पे स्विस्ट ब्यूटी का ये मस्कारा है ये भी बहुत अच्छा सा मतलब वाटरप्रूफ मस्कारा है काफ़ी अच्छे से आपके आई को एकदम निखार उभार के भी दिखाता है बहुत अच्छे मतलब तो थोड़े से तो घने कर देते काफ़ी खूबसूरत भी लगता है आप खुद देख सकते हैं फर्क उसके बाद ये टेन का ये ब्लशर पैलेट है जिसमें कॉन्टोर ब्लशर हाईलाइटर सब कुछ मुझे मिल जाता है तो इसमें से हमने कॉन्टोर और ब्लशर दोनों ही अप्लाई कर लिया है और पूरे फेस पे आप कंटूर जरूर कर लिया करिए ताकि आपका फेस चबी सा ना दिखे चीज़र दिखे पतला दिखे और आपके फेस को बहुत अच्छे से डायमेंशन मिल जाए तो आप कंटूर या फिर ब्रॉन्जर अप्लाई जरूर कर लीजिए कंटूर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हैं और आपके आप अपने नोज़ को कॉन्ट्रोल करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपका नोज़ भी पतला दिखे और साथ में हमने हल्का हल्का सा ब्लेंड भी करते जाना है फिर हमने यहाँ बेक ड्रफ्ट का सॉरी बेगड रफ का हाइलाइटर ले लिया है सिल्वर हाइलाइटर है बहुत अच्छा हाइलाइटर है जिसका सेड है जीरो वन और पूरे फेस पे हमने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया जैसे चिक बोन्स पे क्यूप्यूट्स बो पे और चीनेरिया पे मतलब जहाँ पे भी आपको नीड है जहाँ पे भी जरूरत है सेंटर ऑफ द फॉरड पे और आइस के कॉर्नर में आप जरूर अप्लाई करिए ताकि आपका आपका आई में लुक बहुत खूबसूरत दिखे और एक थोड़ी सी मतलब अगर आई लुक में आप हाइलाइटर थोड़ा सा कॉर्नर में अप्लाई कर लेते हैं तो आपका आँखों का मेकअप काफ़ी इन्हेंस होकर दिखता है फिर हमने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई किया डार्क सेट का ही लिपस्टिक है डार्क पिंक सेट लिपस्टिक है आप चाहे तो कोई भी लिपस्टिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मेल्यू का ये आ, मेकअप फिक्सर था जिससे मैंने पूरे बेस को अच्छे से सॉरी मैं पूरे मेकअप को सेट कर लेना है क्योंकि आपको काफ़ी टाइम तक स्टे करके रखना है मेकअप अगर आप नहीं है तो पूरा टाइम ही आपको मेकअप चलाना रहेगा उसके बाद यहाँ पे हमने जो ज्वेलरी वियर कर लिया ये ज्वेलरी मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेस किया था अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा मैं आपको लिंक इसका दे दूँगी फिर यहाँ पर सिंपल सा हमने हेयर स्टाइल करके एक आर्टिफिशियल गजरा था मेरे पास जो जिसे मैंने वेयर कर लिया उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटनर लेके हल्का सा कर्ल बनाते हुए हेयर स्टाइल मतलब थोड़ा सा फ्रंट का हेयर हमने हल्का सा बेबी सा कर्ल कर लिया फिर सिंदूर अप्लाई कर लिया ये रहा हमारा फाइनल लुक अगर आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए बाय